हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप से यहाँ पे आए हैं ना, मतलब कुछ हेल्दी बॉडी में नहीं जा रहा है, तो मैंने सोचा है क्यों ना कुछ हेल्दी खाया जाए। फ्रूट्स तो मैं खाती नहीं हूँ, बट कुछ तो हेल्दी अपनी डाइट में इंक्लूड किया जाए। पता नहीं मैं कितने दिन ये फॉलो कर पाऊँगी, पर अब सोचा है तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो मैं इस वक्त हूँ ट्रिपला मॉल में और मैं जा रही हूँ यहाँ से सब्जी लेने के लिए और बाकी भी जो सारी चीज़ें ग्रॉसरी वगैरह मुझे लेनी है, मतलब सारा खाना पीने का सामान ही हमें लेना है। तो चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ पे सब्जी वगैरह कैसे लेते हैं। यहाँ फिनलैंड में अगर आपको बेसिक सामान खरीदना है, सब्ज़ी वगैरह या फिर घर का जो सामान यहाँ जो नॉर्मली मिलता है, तो 3-4 जगह हैं। तो और यहाँ ट्रिपला में सब आमने सामने है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये के सुपर मार्केट है, यहाँ से आप सब्ज़ी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्ज़ी महंगी मिलती है कंपैरेटिव टू लिडिल और प्रिज्मा। इसके अलावा दूसरा है जो, अगर मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे दिखाऊँ आगे जाकर के, तो ये बाजू में ही के मार्केट के यहाँ पर है प्रिज्मा, जिससे हम मोस्टली सब्जी लेते हैं। और इसके अलावा हम लेते हैं सब्जी लिडिल से, जो कि प्रिज्मा के सामने ही है। तो ये प्रिज्मा और लिडिल दोनों ही सही होते हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि इनके प्राइसेस जो है ना सही है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बोला है कि यहाँ पे डायनेमिक प्राइसिंग है, मतलब हर जगह फिक्स प्राइस नहीं है। हो सकता है वही चीज़ आपको कहीं सस्ती मिल रही हो, कहीं महंगी मिले। तो लिडिल और प्रिज्मा जो ये दो ऑप्शन है, ये सबसे चीप हैं यहाँ पे। और इसके अलावा एक और है अलेपा, या अलेपा हाँ ये ही, तो ये यहाँ पर नहीं है, बट अलेपा भी महंगा है काफ़ी। बट ठीक है, अभी हम चलते हैं सीधे प्रिज्मा के अंदर। सबसे पहले मैं ये बास्केट उठा लेती हूँ ताकि मैं इसमें अपना थोड़ा बैग रख सकूँ और सामान भी सब मैं इसमें आराम से रख पाऊँ। यहाँ आके जो मैंने नई चीज़ एक देखी थी वो ये थी कि यहाँ पे धनिया पुदीना इस तरीके से मिलता है, मतलब जैसे गमले में रखा हो। और ये लगभग इनके प्राइजेज हैं, मतलब ये 3 यूरो का है, कुछ 1 यूरो का है, बट हाँ 1 यूरो से लेके 3-3.5 यूरो के बीच में है ये। तो ये इस तरीके से यहाँ पे रखे होते हैं। यहाँ पे सब्जियाँ जो होती हैं वो खुली भी मिलती हैं और पैकेट में भी मिलती हैं। जो पैकेट में मिलती हैं उसको तो आप सीधा उठा सकते हो और बिलिंग करा सकते हो, लेकिन जैसे कि ये आलू जो हैं यहाँ पे खुले हैं। और यहाँ पे एक तो सब्जियों की बहुत वैरायटी अवेलेबल है, यहाँ सामने ही 3 वैरायटी के आलू हैं और तीनों के प्राइजेस अलग अलग हैं। जैसे कि ये गाजर है, ये भी खुला है और इसका प्राइस जो है वो है 1.29 यूरो। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसे लेना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ना पॉली बैग रखी होती है बाजू में, तो आपको जितना भी गाजर चाहिए आप पॉली बैग में डाल लो। उसके बाद जो भी सब्जी है उसके सामने लिखा होगा प्राइस कि वो कितने की, और उसके नीचे लिखा होगा एक नंबर, जैसे कि इसका नंबर 4 है। तो आप वो अपनी सब्जी को लेके जाओ और आपको यहाँ आजू बाजू में कहीं ये वेटिंग मशीन दिख जाएगी, इसमें अपनी सब्जी रखो। और उसके बाद जो वो नंबर वहाँ पे लिखा था, जैसे वहाँ पे 4 लिखा था, तो आप 4 प्रेस करोगे तो उसके बाद ये स्लिप मिलेगी जिसमें आपका वेट होगा और प्राइस होगा। तो अब आप ऐसे सब्जी ले सकते हो, और बाद में जब आप बिलिंग करोगे तो उसमें जो QR है आप उसको स्कैन करोगे। हेल्दी खाना तो बोल दिया, लेकिन क्या लेना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सच में मेरी बिल्कुल आदत नहीं है हेल्दी खाने की, पर मैं कुछ लेके जाऊँगी ढूंढ के। अच्छा, और मैं ले भी थोड़ा रही हूँ कि अगर मैंने सच में फॉलो कर लिया ना, उसके बाद ही मैं फिर दूसरा ट्राई करूँगी। बट मैं क्या लूँ हेल्दी, क्या खा सकते हैं, क्योंकि मैं फ्रूट्स नहीं खाती हूँ तो मेरी रेंज काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। ये सामने आप जो पैकेट देख रहे हो ये पालक है, पालक यहाँ पे ऐसे पैक्ड मिलती है और ये पहले से ही ऐसे टूटी हुई होती है, अलग अलग छोटे छोटे पत्ते होते हैं सारे। और अब यहाँ पे ये मशरूम है, मशरूम की भी कई वैरायटी है, कुछ मैंने बनाई भी है यहाँ पे। और ये जो पूरा एरिया है अब ये पूरा पैकेट में, मतलब सब्जियाँ ऐसे बंद है, आप सीधे उठा के ले जा सकते हो और बिलिंग करा सकते हो। तो ये वो वाला सेक्शन है और उस तरफ ऐसे खुली हुई सब्जियाँ रखी हुई थी। तो यहाँ पे एक तो वैरायटी बहुत होती है, बाकी ये गोभी है, गोभी जो है आजकल 3.49 यूरो पर
केजी की चल रही, किलो और केजी एक ही होता है आयुषी। हाँ तो ये महंगी हो गई है काफ़ी यार, मतलब अगर INR में मैं कर दूँ इसको तो 240 मतलब 270-280 रुपये के हिसाब से है। और ये शिमला मिर्च लाल वाली, ये भी लगभग वही प्राइस है, 3.88 यूरो का पर केजी। और ये है हमारी स्ट्रॉबेरी। मैं फ्रूट्स नहीं खाती हूँ लेकिन मुझे ये देखना बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी ऐसे अच्छी लगती है। कई बार तो मुझे लगता है ऐसे प्लास्टिक की है क्योंकि इतनी ज़्यादा शाइनी होती। मैं काफ़ी देर से यहाँ घूम रही हूँ सिर्फ दो सामान लेके, उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या लेना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या लेना है। बट हाँ मुझे कुछ हेल्दी हेल्दी लेना है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मैं बीटरूट भी ढूंढ रही हूँ, शायद यहाँ नहीं है, पर देखते हैं। फ्रूट्स में काफ़ी ऑप्शन है लेकिन फ्रूट मैं खाती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं तो आज आपको ग्रॉसरी शॉपिंग कर रही हूँ तो ग्रॉसरी दिखा रही हूँ, बाकी पूरा पीछे फ्रोजन स्टफ़ है। तो आपको जितनी वेराइटी, आई मीन यहाँ बहुत ज़्यादा वेराइटी आपको फ्रोज़न चीज़ों में भी देखने के लिए मिलेगी। लाइक ये पूरा सेक्शन जो है ना ये वेजिटेबल का है और ये सब फ्रोज़न है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके के मिक्स्ड वेजिटेबल होते हैं, किसी में आलू गाजर होगा, किसी में ब्रोकली और जैसे ही गोभी का मिक्स है, तो ऐसे ही बहुत अलग अलग है। अभी हमने वहाँ पे खुली गाजर देखी थी, अब यहाँ पे पैकेट में, और वो भी दो अलग अलग प्राइस में। ये छोटी वाली गाजर है इसका अलग प्राइस है और बड़ी वाली का अलग। और ये पूरा सेक्शन जो है ना पूरा ये ब्रेड का सेक्शन है। ऑनेस्टली मैंने यहाँ आके ब्रेड में इतनी वैरायटी देखी है यार, इंडिया में मुझे सिर्फ 2-3 तरीके की ब्रेड पता थी। और नॉर्मली अगर मैं आपको एक ब्रेड का प्राइस दिखाऊँ, जैसे ये वाली लेके गए थे लास्ट ही हम, तो ये है 1.90, मतलब लगभग वही। अगर INR में मैं कन्वर्ट करती हूँ, INR में मैं कन्वर्ट करती नहीं हूँ लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो, मतलब वही 1 यूरो अभी 88 चल रहा है कुछ, तो इतना ही आप हिसाब लगा सकते हो। यहाँ प्रिज्मा में फ्रेश जूस भी मिलता है। तो साइड में आप देख रहे होगे बॉटल रखी हुई है, दो अलग अलग प्राइस है बॉटल के, छोटी और बड़ी के हिसाब से। तो आपको जो भी बॉटल लेनी है आप उसको उठा लो और आप यहाँ से उस बॉटल को पूरा फिल कर सकते हो। तो फिर जो आपने बॉटल उठाई होगी उसके हिसाब से आपका प्राइस होगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर बिलिंग। यहाँ आके मैंने एक और चीज़ नहीं देखी, वो थी सेल्फ बिलिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल है, आप अपनी बिलिंग खुद भी कर सकते हो। ये चीज़ इंडिया में मैंने नहीं देखी थी तो ये कुछ नया था। नॉर्मल भी आप बिलिंग काउंटर से बिलिंग करा सकते हो लेकिन यहाँ पर हर जगह आपको सेल्फ बिलिंग के काउंटर्स मिल जाएंगे। तो आप सिंपली आपका जो सामान है उसका जो QR है उसको स्कैन करो और अपनी बिलिंग करा लो। अगर नहीं कराना है तो फिर आप ऐसे काउंटर में जाके करा सकते हो बिलिंग। घर आ गई हूँ मैं और मैंने वहाँ तो आपको सारा प्राइस बताया लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं जो चीज़ें खरीद के लाई हूँ आपको दिखा दूँ और उनका प्राइस भी अच्छे से बता दूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको सीधे प्राइस बताती हूँ। तो ये हमारी शॉपिंग है और ये टोटल 48 यूरोस की है। पहले हमने प्रिज्मा में शॉपिंग करी और उसके बाद जो सामान हमें वहाँ नहीं मिला उसके लिए हम लिडल भी गए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया। और हेल्दी के नाम पे मुझे ज़्यादा ऑप्शन मिले नहीं क्योंकि मैं फ्रूट्स भी नहीं खाती और मैं दूध भी नहीं पीती, तो मैं ड्राई फ्रूट्स लेके आई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ सब के। तो मैंने लिया है एवोकाडो। एवोकाडो मैंने यहाँ आने के बाद पहली बार लिया है और ये जो थी ये 7.29 यूरो पर केजी के थे, तो हमने थोड़े से ही लिए हैं तो हमें 3.300 सेंट्स के पड़े। कैरेट हेल्दी के नाम पर मैं गाजर लेके आई हूँ। गाजर में बहुत सारी वैरायटी थी वहाँ पे, तो मैंने जो ये लिया ये 1.29 यूरो पर केजी का था। तो ये भी हमने मतलब 1 किलो तो मैंने नहीं लिया, थोड़ा थोड़ा लिया। अगर होपफुली मैं अपनी ये हेल्दी खाने वाली हैबिट कंटिन्यू कर पाई तो फिर मैं और लेके आऊँगी। योगर्ट, तो दही का क्या होता है कि दही छोटे वाले डिब्बे में भी मिलता है, बड़े में भी मिलता है, तो हम बड़ा ही सीधे उठा के लाते हैं तो ये चल जाता है और सही भी पड़ता है। तो ये हमें पड़ता है 3.99 यूरोस का। ककड़ी ली है मैंने, तो ककड़ी यहाँ पे है 3.29 यूरो पर केजी। तो अभी मैं एक लेके आई हूँ और ये एक मुझे पड़ी है 0.322 सेंट्स की। बस मैं खा लूँ ये सब। के अलावा हमने घर का सामान लिया है, तो हमने लिया है प्याज, और ये जो प्याज है ये 1.29 पर केजी का है, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली 1/2 केजी लिया है। ये पास्ता, तो पास्ता का ये जो पैकेट है ये है 500 ग्राम का और ये हमें पड़ा है 1.29 यूरो का, तो दिस इज ऑल्सो गुड। और मैंने लिया है जूस, तो ये जूस मैं पहले भी लेके आई थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें ऑरेंज है, कैरेट है और जिंजर है। तो ऐसे तो मैं फ्रूट खाती नहीं हूँ बट हाँ इसके साथ मैं थोड़ा सा
कुछ तो जाएगा अंदर फ्रूट में। और ये है 2.15 यूरो का, और ये कितना है, ये 1 लीटर है, और ये 1 लीटर 2.15 यूरोस का है। तो गुड, तो ये मैं लेके आई हूँ। और इसके अलावा हम लेके आए गोभी सब्जी में, तो ये जो गोभी है ये है 3.49 यूरो पर केजी। ये सब मैं INR में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ, अगर आप INR में कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। 1 यूरो इज इक्वलेंट तो जो अभी चल रहा है 87 या 88 के आसपास चल रहा है, ये घटता बढ़ता रहता है, तो 80 से 87 के रेंज में यूजुअली होता है, कई बार थोड़ा कम भी हो जाता है, 79 भी गया था कुछ दिन पहले, बट अभी इतना रेट चल रहा है इसका। तो ये मुझे पड़ा है 0.876 सेंट का, मतलब ये इतना। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने नहीं ली है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, पर मेरी फ्लैटमेट ने ली है, और ये एक्चुअली में हेल्दी चीजें हैं जो अगर किसी को खाना है तो लेनी चाहिए। तो ये है फ्रेश जूस। तो ये जो फ्रेश जूस है ये बॉटल के हिसाब से था, मैंने आपको दिखाया अभी था कि मशीन से आप सीधे निकालो और आप ये बॉटल फिल कर सकते हो। तो ये था 2.09 अप्रॉक्सीमेटली 0.65 यूरो का है ये बॉटल, और ये बॉटल कितनी बड़ी है, ये है 0.5 लीटर की, और इसके अंदर ऑरेंज जूस है पूरा। तो ये भी है, बट ये है कि ये फ्रेश है, और ये वाला जो मैं लेके आई हूँ ये पैक्ड है, तो फ्रेश जूस हमेशा कहीं भी हो थोड़ा प्राइस उसका ज़्यादा ही होता है। और ये दूध है, यहाँ पे दूध में बहुत ज़्यादा वेराइटी आती है, तो ये वाला दूध है मैं, दिस इज माइटो, और ये 1 लीटर का पैकेट है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लेते हो ना तो एक्सपायरी डेट का बहुत ध्यान रखा करो, यहाँ पे हर चीज़ में एक्सपायरी डेट होती है, तो उसको देख के ही लें, स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट हो गए, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें तो एक्सपायरी डेट देख के ही लेना चाहिए। और ब्रेड, ब्रेड तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको देख के लो। और ये जो मिल्क है ये 1 लीटर का है, और ये 1 लीटर का मिल्क पड़ा है 1.19 यूरोस का। कुछ बनाना है जो भी, जो मेरे नहीं है पॉसिबल ही नहीं है, बट हाँ मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने लास्ट फ्रूट कब खाया होगा। शायद मैंने तब खाया था जब मैंने ऋषिकेश में मैं नीलकंठ मंदिर गई थी, सी वॉट आ ओकेशन की मुझे ये भी याद है कि मैंने लास्ट कब खाया, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं अकेली थी और उन्होंने प्रसाद दे दिया था तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो ये जो है ये है पर के जी इसका प्राइस है, यहाँ पे ये भी पर के जी के हिसाब से मिलता है, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे मिलता है ना दर्जन, आधा दर्जन, एक दर्जन, दो दर्जन, लेकिन यहाँ पर के जी के हिसाब से। तो पर के जी जो प्राइस है वो है 1.55 यूरोस पर के जी। और ये जो है ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5 है, और ये 0.734 सेंट्स के पड़े हैं। बाकी सामान हमने लिडिल से लिया है क्योंकि हमें नहीं मिला था, तो मुझे ड्राई फ्रूट्स लेने थे तो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं। तो ये वॉलनट का पैकेट लिया है, और वॉलनट का जो पैकेट था, एक्चुअली आज हमने लिडिल में जब आप बिल कराते हो ना तो दो ऑप्शन होता है कि आपको बिल वो रिसिप्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तो गलती से मैंने नो ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो रिसिप्ट है नहीं, बट मुझे राउंड ऑफ याद है तो मैं राउंड ऑफ बता देती हूँ। ये वॉलनट्स हैं, वॉलनट्स मीन्स ये अखरोट है, और ये ऐसे निकले हुए हैं, मतलब इनका जो बाहर का शेल होता है वो नहीं है, ये निकला हुआ है। और ये है 500 ग्राम, और 500 ग्राम लगभग जो था 3 यूरो कुछ सेंट्स का था, सेंट्स मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट हाँ ये इतना था। इसके अलावा मिले हैं काजू, तो काजू जो है ये 500 ग्राम है, और ये 7.0 something था, मतलब 7 यूरो से थोड़ा सा और ज़्यादा था, तो ये इतने का पड़ा है। और मैंने लिया है ये है हमारा पीनट्स, तो ये रोस्टेड पीनट्स है, मतलब ये मूंगफली है, सॉल्टेड है ये, और ये भी है, ये जो है ये भी 500 ग्राम की है, और ये थी 2 यूरो के आसपास का प्राइस था इसका, तो लगभग यही था, थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ। और बाकी एक चीज़ और है जो कि फ्रूट है, जो कि मेरा नहीं है ऑब्वियसली, और ये लीची है, इसका प्राइस मुझे नहीं पता तो मैं नहीं बताऊंगी, बट राउंड ऑफ हमारी जो शॉपिंग थी पूरी लिडल और प्रिज्मा की मिला के, तो ये हमारी शॉपिंग हुई है 48 यूरोस के आसपास की, तो मैंने आपको बता दिया है। और हमने पूरी शॉपिंग नहीं करी ऑब्वियसली क्योंकि हम एक ही सब्जी लेके आए हैं, बट और काफ़ी ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आए हैं आज, तो ऐसे वाली शॉपिंग करी है, जो घर की हम शॉपिंग करने जाते हैं वो घर का सामान हम लाए नहीं है, जैसे टमाटर, प्याज तो लाए, मतलब पूरा ऐसे आप लेके आते हो ना एक साथ सब्जियां,
तो वो नहीं लाए, बट हाँ यही था। तो यूजुअली जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे 3-4 जगह, एक है के मार्केट, दूसरा है प्रिज्मा, लिडिल और अलिफा। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है ना, फिक्स प्राइस होता है। ये मैंने बहुत बार बोला है शायद ब्लॉग में कि फिक्स प्राइस होता है कि अगर आप कहीं भी जाओगे, स्पेशली सब्जियों के अलावा, जैसे आप काजू ले रहे हो, ये सारी चीज़ें, तो ये मोस्टली आपको एक फिक्स प्राइस में मिलेगी, स्पेशली जब आप पैकेट्स ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हर एक मार्केट का अपना प्राइस होता है, ठीक है। तो अलग अलग मार्केट में, जैसे आप जाओगे के मार्केट में जाओगे तो उसी सेम चीज़ का हो सकता है अलग प्राइस हो, और अगर आप कहीं और जाओगे तो उसका अलग प्राइस हो। तो जो अफोर्डेबल पड़ता है, जो सस्ता पड़ता है, वो होता है या तो आप प्रिज्मा से ले लो या आप लिडिल से ले लो। उसके बाद अगर आपके पास प्रिज्मा लिडिल नहीं है तो फिर आप के मार्केट भी देख सकते हो। अलिफा जो है, अलिफा इस, जब मैं शुरू में आई थी तो मैं वहीं से शॉपिंग करती थी क्योंकि मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। तो वो सबसे महंगा होता है, वहाँ पे 1 से 1.5 यूरो का डिफरेंस आता है। और स्पेशली प्रिज्मा अगर आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा वेराइटी मिलेगी, और मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, तो आप वहाँ से ज़्यादा, अगर है प्रिज्मा तो जाओ और वहाँ से शॉपिंग करो। और अगर आपको पनीर चाहिए, इंडियन पनीर, तो वो भी आपको प्रिज्मा में मिलता है। तो या तो यही था आज का व्लॉग, अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगी तो लंबा हो जाएगा। तो या होपफुली आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग, और देखते हैं कि मैं कितना कंटिन्यू कर पाती हूँ कि मैं कुछ हेल्दी हेल्दी खाऊं। तो होपफुली आज मैंने सोचा है मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, अगर मैं करूँगी तो भी आपको व्लॉग में दिख जाएगा, नहीं कर पाई तो भी आपको व्लॉग में दिख जाएगा। बट हाँ, प्लीज़ मोटिवेट मी कि मैं कर पाऊँ ये चीज़, क्योंकि मैं कुछ भी हेल्दी नहीं खाती हूँ, विच इज़ वेरी रॉन्ग, उससे मोटिवेट नहीं होना है। बट या देखते हैं अगर कुछ होता है तो। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन एंजॉय एंड कीप वॉचिंग, बाय।